सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीते गुरुवार से ही उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण 60.17% वोटिंग के साथ पूरा हुआ। इसके बाद अब सभी की निगाहें दूसरे चरण की सीटों की ओर है, जहां पार्टियों की परीक्षा पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड इलाके के मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों पर है। इस चरण में कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 40 से 50% है। बीते चुनाव यानी कि साल 2017 की बात करें तो चुनाव में इन 55 सीटों पर बीजेपी के हिस्से में 38, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी यानी सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी के खाता में एक भी नहीं गई थी, यानी कि खाता ही नहीं खोल पाई थी बसपा। और इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि मायावती सक्रिय हो चुकी हैं जमीनी स्तर पर। वो जनता के बीच जा रही हैं, मौजूद होकर जनसभा को संबोधित कर रही हैं। वहीं बीजेपी और सपा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया है बीजेपी ने। वहीं अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के साथ अलग अलग जगह जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनसभा रैलियां करते हुए दोनों ही दिग्गज पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी सपा में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस चुनाव में, जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, जनसभा भी संबोधित करी जा रही कांग्रेस की तरफ से। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हैं कुछ सीटें, या फिर इस बार भी कोई एक ऐसी पार्टी होती है पिछली बार की तरह कि खाता ही ना खोल पाए। हालांकि इस बार मायावती सक्रिय नजर आ रही हैं और कई बदलाव भी किए हैं मायावती ने। वो चाहे वर्चुअली जुड़ना हो, जिस तरह से वर्चुअली तो वो अभी नहीं जुड़ रही हैं, लेकिन हाँ जनसभाएं करती जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और सपा तीनों ही पार्टियां वर्चुअल और नॉन वर्चुअल दोनों तरीके से जुड़ रही हैं जनता के बीच, अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति बता रही हैं। मैनिफेस्टो भी तीनों पार्टियों को आ गया है। हालांकि बसपा का मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है कि चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ काम किए जाएंगे जनता के लिए। बसपा शुरू से ही काम का जो ब्यौरा होता है, जिसे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है, वो चुनाव जीतने के बाद ही पेश करती है। वहीं बाकी पार्टियों ने पहले ही चुनाव से पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीते गुरुवार से ही उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वहीं बीते दिन जो आखिरी दिन था प्रचार का, उस वक्त बीजेपी के कई दिग्गज नेता उत्तराखंड में नजर आए थे, क्योंकि उससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के कई बड़े ऐसे हॉट सीटों पर चुनाव प्रचार हो चुका था। वर्चुअल माध्यम से सब जुड़ रहे, दूसरे चरण के लिए प्रचार अब खत्म हो गया है और अब तीसरे चरण का प्रचार शुरू हो चुका है आज से। तो जितने भी जनप्रतिनिधि आज नजर आएंगे वो तीसरे चरण के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, प्रसार करते हुए नजर आएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभा करेंगे। तो राजनीति अपने चरम पर है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें 60.17% वोटिंग हुई थी और माना जा रहा है कि 3% वोटिंग 2017 के मुकाबले कम हुई है इस बार। हालांकि जनता को जागरूक करने का काम पूरी तरह से किया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा। वोट की अपील की गई है, वो चाहे चुनाव आयोग द्वारा हो या फिर जो है सभी पार्टियों के दलों द्वारा हो। और इस बार भी यही पूरी कोशिश करी जा रही है कि जनता को जागरूक करा जाए, उनके मत का महत्व उन्हें समझाया जा सके और वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। तो वहीं बात करी जाए कुछ कमियों की, तो कुछ कमियां भी देखने को मिली पहले चरण के चुनाव के दौरान। सुबह से ही ईवीएम मशीन खराब होने की कुछ खबरें सामने आई, जिसका निवारण भी किया गया। कहीं जगह पे ऐसा भी हुआ कि कुछ देर के लिए बाधित रही चुनाव की प्रक्रिया, लेकिन बाद में ईवीएम की जो कमियां थी उन्हें दूर करते हुए, ईवीएम को दुरुस्त करते हुए सुचारू रूप से मतदान कराया गया और मतदान कराने के बाद पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो गई। शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। 11 जिलों की सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण का और अब 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव है। तो ये 9 जिले काफी अहम माने जा रहे हैं। इनमें अहमियत तो ये भी है क्योंकि इसमें पश्चिम यूपी की कई जो है सीटें हैं, पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड इलाके की मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों पर इस बार चुनाव है। दूसरे चरण का जो चुनाव है, मुस्लिम बेल्ट का जो वोट है, वोट बैंक है, वो कई जगह पे बैठा हुआ है। सपा भी मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेके चलती है, बसपा की तरफ भी उसमें उसके कुछ वोट जाते हैं। और बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस में भी बटे हुए हैं। किसानों का मुद्दा इस बार जो लेके चल रही है सभी पार्टियां, किसानों को साधने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम में किसानों की भी बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे में
कई दावे वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से भी किसानों के लिए। हालांकि जो प्रदर्शन देखने को मिला था उसका सीधा असर भी देखा जा रहा है, कुछ आक्रोशित भी नजर आ रहे किसान। तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बीजेपी की दी हुई सुविधाओं से खुश हैं। तो वहीं अभी बीते कुछ समय पहले ही जो खाद की समस्या थी और कई ऐसी समस्या थी जिसको लेकर MSP को लेकर मांग उठाई जा रही थी किसानों द्वारा, तो उन चीजों को लेकर भी किसान नाखुश नजर आ रहे सरकार से। और ऐसा माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन हुआ है, जो कि सबसे बड़े मसीहा RLD जो किसानों की पार्टी मानी जाती है, उसको देखते हुए भी किसानों का समर्थन सपा के साथ जा सकता है। तो वहीं जिस तरह से जाट नेताओं के साथ 250 जाट नेताओं के साथ बीजेपी ने अमित शाह ने जो बैठक करी थी, उसका यह भी माना जा रहा है कि कुछ असर तो उधर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सातों चरणों के जो मतदान है तो उसमें एक जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे, एक जैसा परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जगह अलग अलग प्रभाव है अलग अलग पार्टियों का, तो बटे हुए हैं वोटर्स। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी की तरफ किसी भी एक वोटर का रुझान है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम अगर वोटों की बात करें तो वो भी बीजेपी के काम से काफी खुश नजर आए हैं। वो चाहे 3 तलाक का मामला हो या फिर कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बीजेपी के समर्थन में कुछ मुस्लिम्स भी हैं, तो मुस्लिम वोटर ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात करी जाए धर्म को लेकर, जाति को लेकर चलने की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा देखने को मिला है कि विकास से ऊपर धर्म जाति से जुड़े मुद्दे रहते हैं, इसी को देख के वोटर हमेशा वोट करता है। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है, विकास के मुद्दे भी हैं, सुरक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, क्योंकि कोरोना काल में सबने स्वास्थ्य की हालत भी देखी। पूरी दुनिया कोरोना काल में पीड़ित रही थी और जो इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया को करना पड़ा, तो ये भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, जिसको बीजेपी भी बड़े जोर शोर से उठाती है कि हम स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, सुरक्षा के लेकर चल रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो कांग्रेस भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सभी पार्टियां चल रही हैं और जो वोटर्स हैं वो अब सोच समझकर अपना मत का उपयोग करेंगे, और यही जागरूक किया जा रहा है कि अपने मत का प्रयोग वो जरूर करें, क्योंकि हर एक मतदान बहुत ही जरूरी है, वो किसी भी पार्टी को बना और बदल सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, बदायूं से राजन पाठक जुड़ चुके हैं, बिजनौर से तुषार वर्मा जुड़ चुके हैं। दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं और दूसरे चरण में इन दो सीटों पर भी, इन दो जिलों में भी चुनाव होना है। तो सबसे पहले राजन, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और जिस तरह से जनता का रुझान सामने आया है, क्या होने वाला है इस बार? क्या पहले के मुकाबले, 2017 के मुकाबले वोटों की संख्या ज्यादा होगी या कुछ कमी दर्ज की जा सकती है? राजन तो राजन से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तुषार, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है बिजनौर का, बिजनौर में मुख्य मुद्दे कौन से हैं, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि बिजनौर जनपद में कल दूसरे चरण में चुनाव होना है। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव होगा, जिसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज बिजनौर के 3 स्थानों से पोलिंग पार्टी किया जा रहा है। बिजनौर के अंदर 1671 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 311 जो है वो मतदान स्थल हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 109 अर्धसैनिक बल की कंपनी बिजनौर में पहुंच चुकी है और 27,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो की शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराएंगे। जी राजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राजन से। बिजनौर से हमारे साथ तुषार जुड़े हुए हैं। तुषार, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जा रही है और EVM खराब होने के बाद, पहले चरण में जब EVM की खराबी आई तो मतदाताओं को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा, तो उन असुविधा की वजह से कहीं पे नाराज भी लगे लोग, तो क्या लगता है इस बार ऐसी असुविधा ना हो, नाराजगी ना देखने को मिले वोटर्स के बीच में, तो क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, जिले के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है EVM मशीन, वो किसी कारणवश खराब हो जाती है तो उसके लिए दूसरी EVM की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा करी जाएगी। तमाम ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से EVM मशीन खराब हो जाती है, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। जी, जिस तरह से विकलांगों के लिए और वृद्धों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती है, तो इस बार चुनाव में क्या सुविधा देखने को मिल सकती है?
हाल ही में जिले के प्रशासन द्वारा जो मतदान के जो मतदान प्रक्रिया जो है बुजुर्गों के लिए और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए घर घर जाकर टीमों को भेजा गया था और उनसे वोट डलवाए गए थे। वहीं अगर बात करें हम मतदान केंद्रों पर तो मतदान केंद्रों पर भी स्लैब बनवाए गए हैं जिससे कि बुजुर्ग व्यक्ति को और जो विकलांग व्यक्ति है उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी हमारे साथ बताए उसे राजन पाठक भी जुड़े हुए हैं। राजन, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है इस बार, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिले में? सत्रह से चौबीस मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी है। दिव्यांगों को 80 साल की उम्र दिव्यांग मतदान केंद्रों पर मतदान करने की सुविधा घर से कराई जाएगी। राजन, समय सीमा में क्या कुछ बदलाव किया गया है? अगर ईवीएम में कोई खराबी आती है तो क्या उसमें समय बढ़ाया जाएगा? और जिस तरह से कोरोना काल है तो एक समय का निर्धारित समय है, तो उसको देखते हुए जो मतदाता है उनको क्या कुछ सुविधा मिलेगी? मैम, अगर यहाँ पे ईवीएम मशीन में कोई भी खराबी आती है तो यहाँ पे ईवीएम मशीन पहले से ही एडवांस रखी जा चुकी है। अगर कोई भी कमी आती है तो उसे तुरंत चेंज किया जा रहा है, या कोई ठीक नहीं होती तो तुरंत चेंज किया जाएगा उसके लिए। और दिव्यांग सभी मतदान जगह जगह पर रैंप ट्राई साइकिल की सुविधा भी की गई है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं राजन? जी, प्रत्येक तहसील मतदाता जागरूक ग्रुप बनाए गए हैं और सुविधा को लेकर हम बात करें तो शासन प्रशासन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जहाँ भी जिलाधिकारी दीपरंजन, एसएसपी ओपी सिंह गौतम ने यहाँ पे सारी सुविधाओं का जायजा भी किया और शांतिपूर्वक चुनाव करने के निर्देश दिए। जी तुषार, अब प्रचार प्रसार पर रोक लग गई है तो इसको देखते हुए क्या सभी इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं या फिर अभी भी कुछ प्रचार देखने को मिल रहा है जिले में? जी देखिए, बिजनौर में 8 विधानसभा हैं और कल शाम 6 बजे सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार रुक गया है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने घरों पर हैं या अपने कार्यालयों पर हैं और बिल्कुल भी चुनाव प्रचार की कोई भी देखने को नहीं मिली कोई भी चीज। जी तुषार, सबसे ज्यादा प्रचार किस पार्टी द्वारा किया गया है बिजनौर में? देखिए, बिजनौर में जो है बिजनौर जनपद में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा, गठबंधन और बसपा, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। तीनों पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने अपने अपना रोड शो भी किया था, जनसंपर्क भी किया था, धुआंधार जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील की थी। जी, और क्या बाकी अन्य पार्टियां इतना रुझान नहीं दे पा रही है? क्या उन लोग का इतना सक्रियता नहीं दिख रही है इस वक्त बिजनौर में? क्या बाकी प्रत्याशी इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखे या फिर वो क्या वजह है जो बाकी पार्टियां इतना पिछड़ा रखी हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो बिल्कुल भी इस समय चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जैसे विपक्ष आरोप लगाता है या विपक्ष कहता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, उसी के चलते कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ वजह है जिस वजह से ज्यादा उनका प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। जी, और जिस तरह से AIIMIM भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं तो क्या लग रहा है उनकी तरफ से, क्या कोई प्रत्याशी बिजनौर में उतारा गया है और अगर उतारा गया है तो उसको कितना समर्थन मिलेगा जनता का? देखिए, बिल्कुल AIIMIM जो पार्टी है असुद्दीन ओवैसी की, उनकी भी एक बिजनौर में बड़ापुर विधानसभा में एक रैली थी लेकिन खराब मौसम के चलते उनका पंडाल उड़ गया था जिस वजह से उनकी ये रैली रद्द हो गई थी। लेकिन अगर बात करें उम्मीदवारों की तो छह से सात उम्मीदवार AIIM पार्टी द्वारा उतारे गए हैं और वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वोट और कुछ मतदाता उन्हें वोट जरूर डालेंगे, कहीं ना कहीं वो भी खड़े हुए हैं सामने। जी, अगर बिजनौर में कांग्रेस की सक्रियता की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिला है, कितना प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस द्वारा? देखिए, बिजनौर जनपद में 8 विधानसभा हैं और 8 विधानसभा पर उम्मीदवार खड़े किए गए थे लेकिन जो बिजनौर सदर जो सीट है कांग्रेस की, उसका पर्चा कैंसिल होने के बाद अब जो जनपद में है वो प्रत्याशी सिर्फ 7 रह गए हैं। उनका भी प्रचार प्रसार रहा लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला जो माना जा रहा है वो बसपा, भाजपा और गठबंधन में माना जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार तो किया था लेकिन वो इन तीनों पार्टियों के सामने इतना नहीं कर पाए जितना अन्य तीनों पार्टियों ने किया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बताई उसे राजन पाठक, बिजनौर से तुषार वर्मा जुड़े थे। तो अलग अलग पार्टियों द्वारा प्रचार किया गया है लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचार देखने को मिला है भाजपा और सपा द्वारा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा सक्रियता इस वक्त दो पार्टियों की देखने को मिली, हालांकि बाकी पार्टियां भी सक्रिय है लेकिन उतना जोर शोर के साथ
ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे जनता का जितना होना चाहिए था, जितना बीजेपी और सपा द्वारा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए दोनों की सक्रियता की तो भाजपा ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि ये सक्रियता कितनी काम आई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी सपा सरकार पर, उनके पुराने कार्यकाल पर हमेशा सवाल उठाती रही है, तो मौजूदा वक्त की सरकार भी सवालों के घेरे में हमेशा खड़ी रही है। वो चाहे सपा द्वारा हो, बसपा द्वारा हो, कांग्रेस द्वारा हो, सभी मिलकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं बीजेपी पे, बीजेपी के कामों को लेकर और जो जनता परेशानियों का सामना कर रही है उनको लेकर। ये हर बार का ऐसा ही सिस्टम रहा है, जब मौजूदा सरकार होती है तो उसको विपक्षी दलों द्वारा घेरा जाता है उनके कामों को लेकर, लेकिन जब खुद विपक्ष में आ जाती है वो सरकार तो दूसरी पार्टियों से सवाल उठाती है और ये भूल जाती है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन सी कमियां देखने को मिली हैं और उनका निवारण कैसे करना चाहिए। हालांकि अपनी गलतियों से इंसान को सुधार करना चाहिए, जितने भी दल है, राजनीतिक दल है, उनको ये देखना चाहिए कि मौजूदा वक्त की सरकार से क्या गलती हुई, हमारी सरकार में क्या गलतियां हुई थी, तो आने वाली सरकार जब हमारी बनेगी तो क्या कुछ गलतियों में हम सुधार करेंगे। तो गलतियां तो कोई नहीं देखता है, कमियां कोई नहीं देखता है, लेकिन हाँ आरोप प्रत्यारोप तो जरूर देखने को मिलता है, वो चाहे मौजूदा वक्त की सरकार हो या फिर विपक्षी दल हो। और कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त भी देखने को मिल रहा है, जितने भी चुनावी प्रचार हो रहे हैं सभी अपनी पार्टियों के जो रणनीति है उसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। रणनीति के साथ साथ अपनी मौजूदा वक्त की सरकार हो या फिर पिछली सरकार हो, सब अपने काम गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हम सरकार में रहे तो हमने ये काम किए हैं जनता के लिए, लेकिन कोई अपनी कमियां बताता हुआ नजर नहीं आता है। कोई ये नहीं बताता है कि हाँ हमसे हमारे कार्यकाल में ये कमी रह गई है, ये वर्ग या फिर ये समुदाय हमसे नाखुश रहा है और इसको हम खुश करने के लिए या फिर इसकी तकलीफें दूर करने के लिए हम ये काम करेंगे। हमेशा जनता की एक शिकायत रहती है कि जब जनप्रतिनिधियों को वोट मांगना होता है तो हमारे बीच आ जाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, वो कोई भी दल क्यों ना हो। अगर बात करी जाए, इस वक्त विधानसभा चुनाव है और विधायक जब चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं तो घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाके चुनाव प्रचार करते हैं और हाथ जोड़ के अपने लिए मतदान की अपील करते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र से जीत जाते हैं तो फिर 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते, सड़कों का हाल जर्जर होता है। वो कोई भी पार्टी का विधायक हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, सड़कों का हाल खराब रहता है और पानी की निकासी नहीं हो पाती है, बिजली की, पानी की समस्या रहती है। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी हाल सही रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और बेहाल होता है। हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम विधायकों की बात कर रहे हैं। हम विधायकों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर विधानसभा में अलग विधायक चुना जाता है, जनता विश्वास करके अपने बीच से एक व्यक्ति को विधायक बनाती है और चाहती है कि जनता की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने वाला एक जनप्रतिनिधि हो जो उसकी बात को सरकार तक पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। दोबारा सत्ता में सिर्फ वही आते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, जिनका अच्छा रिपोर्ट कार्ड होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। वो सपा हो, भाजपा हो, दोनों ने अपने प्रत्याशी इस रण में बहुत सोच समझ के उतारे हैं, जिनका भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जिस तरह से सरकार ने सपा पे हमेशा निशाना साधा है कि अपराधियों को टिकट देती है सपा, तो इस बार सपा ने साफ छवि वाले ही लोगों को प्रत्याशी बनाया है। और अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने भी इस बार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही प्रत्याशियों को चुना है। तो समस्याएं तो जनता को बहुत है और इन्हीं समस्या के निवारण के लिए ये चुनाव होते हैं ताकि कोई जनप्रतिनिधि आए, और अगर पुरानी सरकार या फिर पुराना जनप्रतिनिधि उनकी समस्या का निवारण नहीं कर पाया है तो नए प्रतिनिधि को चुनती है जनता। और कई मुद्दे हैं और इन्हीं सब चीजों पे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ अब दो संवाददाता जुड़ चुके, संभल से मुबारक अली और सहारनपुर से सुहेल गौर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इन दोनों से ही जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं इन दोनों ही जिलों में। संभल में क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं मुबारक अली? संभल के जो चार एक चंदौसी विधानसभा है, एक संभल विधानसभा है, एक किन्नौर विधानसभा है, और जो जनता के बीच में हम गए, जनता की कोई शिकायत नहीं ली, कोई विकास कार्य नहीं कराया है, जिन नेताओं से नाराज है, और कल 5 बजे चुनाव थम गया है और कोई भी पार्टी इस टाइम अब चुनाव प्रचार नहीं करती हुई नजर सही आ रही है, और दूसरी तरफ जनता चाहती है, विकास चाहती है। जी सुहेल,
अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, कहीं पे सड़कें खराब होती है तो कहीं पे जल निकासी नहीं हो पाती है, कहीं पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्या चाहती है जनता? जनता विकास चाहती है, हमेशा विकास के मुद्दों पर ही वोट करना भी चाहिए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, विकास के मुद्दे पे वोट होगा या फिर वही जाति और धर्म के आधार पर ही इस बार भी जनता अपना चुनाव और अपना परिणाम सामने लाएगी? जनता की बात करें तो पश्चिमी यूपी के अंदर जो है जो मुद्दे हैं जनता के, वो शिक्षा है, सड़क है और इसके साथ साथ कुछ किसानों की समस्याएं हैं, जिसे लेकर जो है जनता हमेशा चाहती है कि विकास हो और उनकी ये जरूरतें पूरी हो और इसी को देखते हुए जनता वोट करना चाहती है। लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ी वजह पश्चिमी यूपी के अंदर माना जाता है, जहां पर सभी पार्टियां कोशिश करती हैं कि वोट का जो है डाइवर्जन हो जाए, वोट शेयर जो है बढ़ जाए, और ये बांटने की हमेशा कोशिश भी करती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिमी यूपी में धार्मिक मुद्दे प्रभाव नहीं करेंगे या प्रभाव में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर प्रभाव रहेगा, धार्मिक मुद्दों का भी रहेगा और चुनावी ध्रुवीकरण तो हमेशा से पार्टियां करती आई हैं। जी शिवा जी, मुबारक। हर विधानसभा में जो विधायक होता है वो जनता के बीच से चुना जाता है ताकि वो जनता के सुख दुख में खड़ा हो सके, लेकिन जनता की जो बात होती है, जनता जो कहती है कि हमारे बीच सिर्फ चुनाव में वोट मांगने आ जाते हैं और 5 साल मुंह नहीं दिखाते हैं, ना कोई समस्या का निवारण होता है, ना ही हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाती है, तो कौन कौन सी ऐसी विधानसभाएं जहाँ पे ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं? विधानसभा और इसमें कई रातों रातों किसानों ने गायें रखाई है और काफी फसलों का नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ संबल जो जिला जो है सिंचाई क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई विकास की कोई नदियां नहीं है, यहाँ पर दूसरी शिकायत है रोड में डिपो की शिकायत है और रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ पे, और जनता चाहती है विकास चाहती है, जनता को जो जनता जब वोट करेगी विकास से मुद्दे तो करेगी, यहाँ पर कोई तो मतलब कोई मुद्दा नहीं है, और अब की बात जो जनता को विकास करेगा तो विकास की ओर जाएगी जनता। जी सुहेल, इस बार भाजपा ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं वो रिपोर्ट कार्ड देख के उतारे हैं, यानी कि जिन भी प्रतिनिधियों ने काम नहीं किया है उनका टिकट कट गया है, तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनका टिकट कटा नहीं है, उनका काम अच्छा रहा है और जनता का फिर से समर्थन उन्हें मिल सकता है? भाजपा ने इस बार कौन कौन से पुराने प्रत्याशियों पर दाव लगाया है? देखिए, आपको बता दूं कि भाजपा ने जो है कोशिश की है कि जो प्रत्याशी काम नहीं करता है उनका वोट काट दिया जाए, टिकट काट दिया जाए, लेकिन इसमें एक बड़ी जो बात देखने को आई कि जिन व्यक्तियों का भाजपा से टिकट कटा उन्होंने सपा का दामन थामने का काम किया, तो भाजपा को एक नुकसान के तौर पर ये भी रहेगा, क्योंकि वही प्रत्याशी जिनके टिकट सहारनपुर के अंदर जो है भाजपा ने काटने का काम किया था, तो उन प्रत्याशियों ने जो है सपा को ज्वाइन किया और अब जो है विपक्ष की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें चाहे धर्म सिंह सैनी हो या फिर कांग्रेस के जो है नरेश सैनी हो जो कि भाजपा ज्वाइन करके अब भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बने हुए हैं, तो देखिए ये तो चोली दामन का साथ है, जिधर से टिकट मिलेगा उधर ही प्रत्याशी जाने का काम करते हैं, बाकी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधे सीधे तौर पर देखी जा रही है, कुछ सीटों पर जो है बसपा का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लोकदल जो है गठबंधन में सपा के साथ है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख को जनता किसकी किस्मत का फैसला करती है। जी मुबारक, इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है सपा ने, पुराने प्रत्याशियों में उन चेहरों को हटा दिया है जिनके ऊपर कोई ना कोई दाग लगा हुआ था, जिन पे कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही मुद्दे उठाती थी और बाकी के जो अन्य दल है वो भी यही मुद्दे उठाते थे कि सपा हमेशा ऐसे बाहुबली चेहरों को टिकट देते हैं जो कि काफी पकड़ वाले होते हैं, जिनका काफी दबदबा रहता है जिले में या फिर क्षेत्र में, तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा, सपा को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? आपको बता दूं जनपद संबल में जो मुस्लिम बोली जो क्षेत्र माना जाता है, सपा का घर पहले से रहा है, और अब की बात जो चंदौसी विधानसभा से गुलाव देवी राज्य मंत्री जो विधायक रही है, और दूसरी तरफ किन्नौर में राजू मंत्री जो विधायक रहे हैं, और अकमोली से समाजवादी का कब्जा रहा है, अकमोली से सिंह यादव विधायक रही है, संबल से समाजवादी का 30 सालों में एक ही विधायक रहे, 6 बार के विधायक है उन्होंने, और जनता की जनता समाजवादी वालों पर जो आरोप लगाया है, बोले यहाँ पे कोई संबल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कराया है, और यहाँ पे अकमोली में जो जनता ने आरोप लगाया विधायक है वो अभी तक 5 सालों में एक ही बार आते हैं, उसके बाद कोई ढंग नहीं आते हैं, और जो जनता ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं जनता को दिवाने के लिए, जो काफी तरह के
साबित होते हैं, कोई जमीनी स्तर पर कोई भी योजना नहीं आती है और चुनाव का माना जा रहा, शांति चुनाव माना जा रहा, प्रशासन में जगह जगह पुलिस फोर्स लगा रखा है, जनपद स्तर पर कोई भी ऐसा कोई मामला जिले में सामने आया और जनता जो चाहती है और जो पोलिंग जो माना जाए पोलिंग पोल जो माना जा रहा है कम से कम 65% पोलिंग हो पाएगा संबल में, और डीएम संबल है पूरे खड़े निर्देश दिए ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होना चाहिए संबल के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ संभल से मुबारक अली और सहारनपुर से सोहेल गौर जुड़े थे। तो दोनों ने बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनाव आता है तो वोट मांगने आते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। इसी वजह से ही इस बार जो है प्रत्याशियों के नाम में बड़ा बदलाव किया गया है, कई लोगों के टिकट कटे हैं, अच्छा काम जो नहीं कर पाए हैं तो उनका भी टिकट कटा है, और साथ ही जिन लोगों पे कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे तो उनके नाम भी काटे गए हैं और नए चेहरों पे दाव लगाया गया है। तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन पे दाव लगाया है इस बार भाजपा ने सपा ने, काटे की टक्कर देखने को तो मिल ही रही है। और साथ ही जनता का समर्थन अब किन चेहरों को मिलता है, क्या बाहुबली चेहरों को जितना समर्थन मिलता था नए चेहरों को मिल पाता है, या फिर जो है भाजपा ने जिस तरह से काम ना करने वाले प्रत्याशियों को हटाया है, नए चेहरों को मौका दिया है तो नए चेहरों पर जनता विश्वास जताती है, ये देखना हो दिलचस्प होगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। आयोग ने इस बारे में जानकारी दी है, साथ ही कहा है कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। ये पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था, लेकिन राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पदयात्रा पे लगी रोक को हटा दिया गया है। पहले ये रोक 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी, लेकिन अब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है, यानी कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, 10 से 6 तक रोक रहेगी। पहले 8 बजे तक की अनुमति थी सुबह 8 से शाम 8 तक, लेकिन इस बार ये समय सीमा बढ़ाई गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। तो कई चीजों में बदलाव हुआ है, जैसे इस बार चुनाव में समय सीमा बढ़ाई गई है, और समय सीमा बढ़ाने का मुख्य वजह यह है कि ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रचार की पदयात्रा की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही प्रचार प्रसार किया जा सके, कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का नियमों का उल्लंघन ना करे। और इसी के तहत अब ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो चुनाव हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है, और दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को है, यानी कि कल, और उससे पहले आज से ये अनुमति मिल गई है चुनाव आयोग की तरफ से पदयात्रा की, लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है बीती शाम, और अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयार है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 7 चरणों में यूपी में चुनाव हो रहा है, जिसमें से पहला चरण हो चुका है 10 तारीख को, दूसरे चरण का मतदान 14 तारीख को है, तीसरे चरण का मतदान 20 तारीख को है। 20 तारीख के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ तैयार है। सभी जाति धर्म वर्ग समुदाय सभी को साधने की तैयारी है। विकास के मुद्दे बताए जा रहे हैं, कई दावे और वादे किए जा रहे हैं, और इन दावों और वादों को ध्यान में रखते हुए सभी चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। अब बीती सरकारों की बात करी जाए तो मौजूदा वक्त की सरकार कोई मौका नहीं छोड़ रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ रही जिससे घेरा ना जा सके। तो वहीं विपक्षी दल जितने भी हैं वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सत्ता दल को घेरने का। किसानों के मुद्दे को लेकर सब चल रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस बार महिलाओं को भी काफी तवज्जो दिया गया है, जब से कांग्रेस की तरफ से जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है टुकड़ों में, और जितनी वादे और दावे किए गए कांग्रेस की तरफ से, आरक्षण की बात करी गई महिलाओं के लिए, इन सभी चीजों को देखते हुए महिलाओं का भी एक अलग ही हिस्सा बन गया है, जिसमें महिलाओं का वोट बैंक, क्योंकि पिछले चुनावों में देखने को मिला था काफी दिलचस्प रहा था, उस महिलाओं के वोट बैंक की वजह से ही बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली थी। इस बार भी महिलाओं को साथ लेके जहां कांग्रेस चल रही है, तो वहीं अन्य पार्टियां भी महिलाओं के लिए कई दावे वादे करती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु,
अनुमति मिल गई है पदयात्रा की, किस तरह देखते हैं? जी शिखा, अगर बात करें तो देश के 5 राज्यों में जो राज्य के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें अब जो गाइड जो कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें तमाम पाबंदियां लगाई थी, तो तमाम पाबंदियों को थोड़ी इसमें नरमी बरती गई है और 5 राज्यों में जो रैलियां थी उनको पाबंदी से मुक्त कर दिया गया और 50% वहां भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, 50% लोगों के साथ रैलियां हो सकती है। और साथ ही साथ जो पद यात्रा था जिसमें 10 लोगों की संख्या रखी गई थी, फिर उसको बढ़ाकर 20 कर दी गई है और वहीं डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो पद यात्रा और जनसंपर्क के लिए सुबह 8 बजे से और रात के 10 बजे तक का समय सीमा तय किया गया था, उसमें 2 घंटे और बढ़ाकर सुबह 6 बजे से और शाम 10 बजे तक प्रचार किया जा सकता है। खास तौर से अगर जो शिखा देखे तो दूसरे चरण का मतदान अब प्रचार थम चुका है और तीसरे से लेकर 7वें चरण के जो मतदान है उसमें खास कर प्रत्याशी और पॉलिटिकल पार्टियों को इसका लाभ होगा। जी शिखा, विभांशु कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनावों में इन पदयात्रा का, जिस तरह से समय सीमा बढ़ाई गई है तो क्या कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बढ़ाया गया, क्योंकि 6 से 10 कर दिया गया है, पहले 8 से 8 का समय था प्रचार के लिए, कितना असर पड़ेगा? जी इसमें बात करें तो प्रत्याशियों के लिए काफी समय होगा, 2 घंटे की समय में वो ऐसे कई सारे क्षेत्र घूम सकते हैं, वहां जा सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और साथ ही साथ बड़ी बात ये है कि 50% के साथ वो रैली कर सकते हैं, जो अब जाके रैलियों को अनुमति मिली है कि 50% क्षमता के साथ वो रैली कर सकते हैं। और वहीं अब तक पदयात्रा को पहले इस चरण और दूसरे चरण जो आज मतदान थम जाएगा इसमें पदयात्रा बिल्कुल नहीं हुआ, अब खास तौर पर जो तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां चरण का मतदान है उसके प्रत्याशियों को पद यात्रा करने का अनुमति मिल गया है, तो इसमें खास तौर पर सभी दलों के सभी प्रत्याशियों को अच्छा लाभ होगा, वो अपनी बातों को जाकर जो मतदाता उनसे सही ढंग से बताने में एक और उनको उनके लिए मेरिट होगा। और वही अगर बात करें तो खास तौर पर इसका प्रभाव पूर्वांचल में पड़ेगा, पश्चिम में आपने देखा कि पहला चरण का मतदान हो गया, 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में 9 जनपदों के 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, तो इसमें अब जो बाकी के 5 चरण के मतदान है उसमें साफ तौर पर प्रत्याशियों के लिए काफी लाभ होगा, उनके पास समय रहेगा 2 घंटा, जो 8 से 10 का समय था उसको 6 से 10 कर दिया गया है। और वहीं रैलियों में 50% भीड़ के साथ रैली करने की अनुमति दी गई है और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उनके तरफ से फैसला कल ये सुनाया गया है। जी शिखा, विभाषी दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है 9 जिलों की 55 सीटों पर, तो इसमें सबसे ज्यादा वोटर्स कौन से हैं? विभांशु हमारा संपर्क टूट गया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे, तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस बार सभी दलों को, क्योंकि 2 चरणों के जो चुनाव प्रचार थे वो अब थम चुके हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का भी कल चुनाव है और बीते शाम प्रचार थम चुका है, लेकिन बाकी जो चरण है उसके लिए प्रचार की जो पदयात्रा की अनुमति मिली है उससे काफी फायदा होने वाला है बाकी दलों को, क्योंकि जो ये पुराना तरीका है पदयात्रा करने का, डोर टू डोर कैंपेन का और जनसभा करने का, तो ये सभी तरीके जनता को बहुत ही लुभाते हैं और इसका सीधा असर चुनाव पे पड़ेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में और ताकत झोंक दी है, कई दलों के स्टार प्रचारक अब उनके पक्ष में हवा बनाने के लिए यहां आ रहे हैं, इससे जिले का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। इसी कड़ी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिकंदराबाद आएंगे और जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां आएंगे, इस दौरान दोनों ही नेता कई जगह पर जनसंपर्क करेंगे और जनता का साथ मांगे थे, तो इस जनता का साथ पाने के लिए जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। वहीं अखिलेश यादव और स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही चुनावी मैदान में आज उतर रहे हैं और हाथरस जाने वाले तीसरे चरण के प्रचार के लिए हाथरस एक काफी हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए भी बनी है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हाथरस कांड हुआ था और बीजेपी पर सभी विपक्षी दल हमलावर हो गए थे, तो हाथरस तब से ही मुद्दा बना हुआ है और लगातार विपक्षियों के निशाने पर बीजेपी रही है हाथरस में जनता को लुभाने के लिए और विपक्षियों को हराने के लिए
बीजेपी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सीट है, तो वहीं बीजेपी को जिस तरह से निशाने पर लिया गया था, काफी मुद्दा गरमाया था, तो विपक्षी कोई ऐसा दल नहीं था जो कि हाथरस ना गया हो, और सरकार ने जिस तरह से विपक्षियों को रोका था हाथरस जाने से, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया था और ये हॉट सीट बनी हुई है। और आज यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह और अखिलेश यादव दोनों इसी सीट पे उतरेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। तो भले ही कितना विवाद हुआ हो या फिर जो है राजनीति कितनी गरमाई हो, लेकिन ये चुनावी वक्त है, इस समय दावे वादे किए जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, और इन्हीं सब मुद्दों के साथ, विकास के मुद्दों के साथ एक बार फिर बीजेपी रण में उतरी है, चुनावी रण में उतरी हुई है, और आज हाथरस के दौरे पर रहेंगी, सियासी धुरंधर आज हाथरस के दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी से स्वतंत्र देव सिंह और अखिलेश यादव दोनों ही आज चुनावी मैदान में हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक वशिष्ठ जुड़ चुके हैं हाथरस से। मयंक, काफी हॉट सीट है हाथरस, क्योंकि यहाँ पे विवाद भी हुआ था हाथरस कांड के बाद से, बीजेपी सभी के निशानों पे आ गई, जनता की नजरों में चढ़ गई, लेकिन एक बार फिर प्रचार के लिए यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह आ रहे, किस तरह से देखते हैं? आज स्वतंत्र देव सिंह सांची में मौजूद रहेंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। वहीं सिकंदरा राव में अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और यहाँ पे इस तरह का मुकाबला चल रहा है कि एक तरफ तो गठबंधन सरकार चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जी, किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जनता का समर्थन बीजेपी को मिलेगा या फिर सपा की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि काफी हॉट सीट दिख रही है ये। जी, जो गूलगड़ी कांड हुआ था उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं अंदर मूड का असर बनी हुई है, जनता जो वोट डालेगी वो आसान से डालेगी, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि किसको जनता वोट देगी और क्या करेगी जनता। जनता के मुंह पे यह भी बोल रहा है कि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहा है मामला और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम 300 से ऊपर सीट लेके आएंगे। वहीं सपा सरकार भी में भी कुछ दावे किए जा रहे हैं और यहाँ आज अखिलेश यादव जी सिकंदर राव में आएंगे, कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वहीं हाथरस में स्वतंत्र देव सिंह डोर टू डोर प्रचार करेंगे। एक तरफ जेपी नड्डा जी भी यहाँ पे आए हुए थे, उसके बाद में उन्होंने भी प्रचार किया था, तो लगता कुछ ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। जी जी, मयंक, कांग्रेस की तरफ से कैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हाथरस कांड हुआ था तो कांग्रेस से भी राहुल और प्रियंका दोनों आए थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी जा रही थी, बहुत बवाल हुआ था, तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी एक्टिव नजर आ रही है प्रियंका, हाथरस में कैसा प्रदर्शन है? भूलगढ़ी कांड के बाद में प्रियंका गांधी जब हाथरस आई थी तो उसके बाद में यह देखने को मिला था कि एक तरफ जाट ठाकुर समाज पूरा एक था और दूसरी तरफ जाट समाज एक था, वहीं बाल्मीकि समाज भी एक था, और वह जो कांड हुआ था हाथरस में भूलगढ़ी का, उसके बाद में यह लग रहा है कि आज का जो प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, वहीं कांग्रेस भी अपने आप को कुछ ना कुछ दावे कर रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी हाथरस आके कुछ ना कुछ ऐसा करके गई थी जो कि देखने को मिल रहा है हाथरस में, कुछ ना कुछ हो रहा है कांग्रेस के लिए। जी, हाथरस में किसान क्या बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं या फिर अभी भी उनके ऊपर किसान प्रदर्शन का असर है? किसानों को लेकर लगता है कि किसान कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो देंगे ही, साथ में गठबंधन सरकार जो आई है, क्योंकि हमारे किसान मोर्चे को लेकर धारा 370 को लेकर हमारी गाजियाबाद में जो कांड हुआ था उसके साथ में हम बहुत रोष में हैं, और हमारे साथ में ये जो घटना घटित हुई थी उसमें भी हम रोष में हैं, तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे कि किसको वोट दिया जाए, और वोट अगर जो हमारी सरकार आएगी और हमको विचार जो खेत के लिए यह कहेगा कि खाद, और हमको यहाँ खाद नहीं मिल रही है, इस सरकार में खाद बिल्कुल नहीं मिल रही है, वहीं पे ऐसा लग रहा है कि 2000 रुपए जो मोदी जी ने दिए थे उसको देखते हुए किसान भी खुश है, और उसके बाद में वोट देने के लिए विचार भी बहुत हो रहा है। जी मयंक, जिस तरह से विपक्ष दम भर रहा है, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक उतरे, दिग्गज नेता उतरे हैं प्रचार के लिए और कई काम किए गए, विकास के काम का वादा करते दावा करते हुए नजर आ रही बीजेपी, तो क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है विपक्ष के लगाए हुए इल्जामों से या फिर आरोपों से? जो हमारे हाथरस से माहौल दिख रहा है कि वोटर ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का मुद्दा लेकर हर वोटर ये चल रहा है कि मोदी जी घर घर मोदी, घर घर मोदी, और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी हमको बहुत कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हम आगे यह सोचेंगे कि हिंदू राष्ट्र को लेकर हम अपनी महिलाओं और जो अदरवाइज पार्टियां हैं,
जो जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी है, विपक्ष ये भी बोल रहा है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खुद यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो वोटर है वह पूरी तरह से यह बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूर्ण रूप से कह नहीं पा रहे कि हम किसको वोट देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मयंक वशिष्ठ जुड़े थे हाथरस से। तो सभी जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं, सभी जिलों के जो नागरिक हैं, स्थानीय निवासी हैं, सभी की अपनी अपनी विचारधारा है और उसी को लेकर इस बार का मतदान होना है। कल ईवीएम में 9 जिलों की 55 विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं सबकी किस्मत का फैसला होगा, ईवीएम में कैद होगा। देखना दिलचस्प होगा कल का चुनाव और ये भी कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।